उत्तर भारत के कई राज्यों में खिलती धूप के कारण अब धीरे धीरे ठंड का असर कम होता जा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो फरवरी के आखिरी सप्ताह तक बहती हवा के कारण ठंडी हवा रह सकती है, जिसका असर मार्च के दूसरे हफ्ते तक देखने को मिल सकता है। इसी बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 22 फरवरी को पश्चिमी हिमालय के पास एक डिस्टर्बेंस बनने की उम्मीद जताई जा रही है। इस डिस्टर्बेंस के कारण सिक्किम, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और तटीय तमिलनाडु में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत के ज्यादातर हिस्सों के तापमान में हल्की बढ़त भी महसूस की जा सकती है। उत्तर भारत के मौसम की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से यहां के राज्यों का मौसम साफ है और धूप खिलने के कारण ठंड भी कम हो रही है। IMD के अनुसार उत्तर भारत के कुछ राज्यों में होली के आसपास बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि मार्च में एक बार फिर मौसम में बदलाव की आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण मार्च में यूपी के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। हिमाचल में कल यानी रविवार के कई क्षेत्रों में बर्फबारी होने के कारण ठंड बढ़ गई। वहीं शनिवार को भी हिमाचल के रोहतांग दर्रा के साथ अटल टनल रोहतांग सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। मौसम विभाग की माने तो सोमवार को यानी आज हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं बारिश के आसार को देखते हुए प्रदेश के कई क्षेत्रों में 22 और 23 फरवरी को अंधड़ का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। वहीं ओडिशा में मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो चुका है। यहां अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की भविष्यवाणी की जा चुकी है। वहीं 5 दिन बाद भारी बारिश का पूर्वानुमान भी जारी हुआ है। IMD की माने तो यहां मार्च में तापमान बढ़ेगा, जिसके कारण राज्य से ठंड से पूरी तरह गायब हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यूपी में पिछले कुछ दिनों से मौसम में काफी सुधार हुआ है। ठंड में कमी आने के साथ साथ मौसम साफ रहने लगा है और धूप भी निकलने लगी है। इस दौरान तापमान में भी बढ़ोतरी हुई थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहने और धूप निकलने के साथ साथ तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी होगी, हालांकि सामान्य से थोड़ा कम ही रहेगा। बिहार की बात की जाए तो बिहार के कई क्षेत्रों में तापमान में बढ़त और लगातार धूप खिलने से अब लोगों को काफी हद तक ठंड से राहत मिल गई है। यहाँ सिर्फ सुबह और रात में गुलाबी ठंड महसूस की जा रही है। रविवार यहाँ के कई राज्यों में पूरे दिन तेज धूप खिली रही, हालांकि पछिया हवा चलने के कारण दिन में हल्की ठंड भी महसूस की गई। मौसम विभाग के नए अपडेट के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक बिहार में आसमान में मौसम साफ व शुष्क बना रहेगा। रिपोर्ट Market Times TV.